कोरोना टीकाकरण को लेकर सिंगरौली में भारतीय जनता पार्टी ने एक सराहनीय अभियान की शुरुआत की है, जिसमें कार्यकर्ता लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन के लिए जागरूक कर रहे हैं। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने 60 साल से ऊपर वालों को रजिस्ट्रेशन कराने में भी मदद की। कोरोना संक्रमण से बचाव और कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए सिंगरौली में भाजपा ने कोरोना वैक्सीन को लेकर जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान लोगों को बताया गया कि कोरोना वैक्सीन सुरक्षित और असरकारक है। लोग अफवाहों पर ध्यान न दें। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष शीर्ष कांत देव सिंह के नेतृत्व में पूरे जिले में अभियान के तहत जागरूकता फैलाई जा रही है। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने 60 साल व उसके ऊपर के बुजुर्गों को वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने में भी मदद की है, साथ ही कई बुजुर्गों को अस्पताल लाकर वैक्सीन भी लगवाया। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग सेवा का व्रत लेते हैं। जब जब देश में प्रदेश में इस तरह का संकट आता है तो भारतीय जनता पार्टी उस संकट से निपटने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पे उतर के लोगों की सेवा में लग जाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान था कि 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता, समस्त पदाधिकारी, समस्त जनप्रतिनिधि वैक्सीनेशन के काम में जुटेंगे और लोगों को प्रेरित करेंगे वैक्सीन लगवाने के लिए। यह कोरोना का वैक्सीनेशन 60 वर्ष से ऊपर वालों के लिए पहला यह टीकाकरण अभियान चलाएगा, लेकिन 45 से 59 वर्ष की आयु के लोग जो कि किसी बीमारी से ग्रसित हैं, वह ब्लड प्रेशर की बीमारी हो या डायबिटीज की बीमारी हो या हार्ट की बीमारी हो या विभिन्न तरह की जो भी बीमारियों से ग्रसित हैं, ऐसे व्यक्तियों को भी इस कोरोना का टीकाकरण कराया जाएगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।